अगर डिलीवरी के बाद याद रखिएगा इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी की बात भी कर रहे हैं और सीजी सेक्शन की बात भी कर रहे हैं अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है हैवी ब्लीडिंग से मुराद है कि क्लॉट्स की फॉर्म में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जो देखो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद होती है लेकिन अगर वो मुसलसल जारी है और वो क्लॉट्स आपके काबू में नहीं आ रहे हैं यानी आपकी वो बेड भी सोख हो रहा है या फिर आपकी जो आपको मुसलसल जो है अपने पैड्स को चेंज करना पड़ रहा है रुक नहीं रही है यानी ये नहीं कि एक आध एपिसोड हुआ और उसके बाद रुक गया यह जारी है इसका मतलब है कि आपकी ब्लीडिंग रूटीन

आपका टेम्परेचर सौ से ऊपर जा रहा है हाई ग्रेड है ठंड लग रही है और आपको शिवरिंग भी हो रही है उसके साथ इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है अभी इन्फेक्शन गायनी से रिलेटेड भी हो सकती है और गायनी के अलावा भी हो सकती है जो गायनी से रिलेटेड हो सकती है हो सकता है आपका जख्म खराब हो रहा हो, हो सकता है आपकी ड्यूट्रस जो बच्चेदानी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्निंग साइंस जो कि एक किसी भी जो खातून डिलीवर हुई है चाहे वो नॉर्मल डिलीवर हुई है या उनका सीवियर इंजेक्शन हुआ है तो इमीडिएटली डिलीवरी के यानी फ़ौरन बाद वो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिसके लिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए विजिलेंट होना चाहिए जिसके लिए हमें ये कि डॉक्टर को रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है चूँकि जैसे आपकी प्रेगनेंसी में बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं और सब कभी आपको वो नॉर्मल चेंजेस भी आपको अब लग रही होते हैं सिमिलरली डिलीवरी के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी आती हैं और बहुत सारे लोग उसको नॉर्मल ही समझ रहे होते हैं कि अच्छा, है, के तो ये होना ही है तो बहुत सारी चेंजेस को जिन्होंने करवाई है या जो भी करीबी आपकी हेल्थ फैसिलिटी आपके घर के पास है वहां पे आप इसको रिपोर्ट कीजिए वो क्या क्या चीजें हैं अगर डिलीवरी के बाद याद रखिएगा इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी की बात भी सेक्शन की बात भी करें अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है मुराद है

काम है। अगर आपको ऐसा शक भी है कि आपको रूटीन से ज्यादा ब्लीडिंग है जितनी अमाउंट मैंने आपको बताई है कि क्लॉट्स की फॉर्म में आ रही है चाहे फिर वो रेड है या डार्क ब्राउन है या जिस तरह सा भी रंग है लेकिन वो रुक नहीं रही है हैवी है तो इस हाल में फौरी तौर पर जो करीबी तरीन हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ चले जाएं या अपने डॉक्टर से को बताएं और इसका इलाज करवाएं ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके लिए सबको विजिलेंट रहना है अच्छा ये एपिसोड डिलीवरी के फ़ौर बाद भी हो सकता है या ये थोड़ा लेट भी हो सकता है अगर ये थोड़ा लेट होता है उसके रीज़न्स और पहले वाले के रीज़न्स फर्क होते हैं लेकिन दोनों सूरत हाल में ब्लीडिंग को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है इसके अलावा जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है जिसको हमें देखना है वो है टेम्परेचर का होना अगर आपका टेम्परेचर सौ से नीचे है फिर तो समाइम डिलीवरी के बाद फटीक के साथ स्पेशली सिजेरिन वालों लोगों का कुछ ना कुछ ऐसे थोड़े बहुत टम्परेचर 99, 99.2 हो जाता है लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है हाई ग्रेड है ठंड लग रही है और आपको शिवरिंग भी हो रही है उसके साथ इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है अब ये इन्फेक्शन गायनी से रिलेटेड भी हो सकती है और गायनी के अलावा भी हो सकती है जो गायनी से रिलेटेड हो सकती है हो सकता है आपका जख्म ख़राब हो रहा हो हो सकता है आपके जूट बच्चे दानी है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो ये बहुत ज़रूरी है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सीधे अगर आपका फीवर सेटल नहीं हो रहा तो इमिजिएट टली आप डॉक्टर के पास जाए चूँकि इसके ना सिर्फ उस वक्त आप पे इफेक्ट आ रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं बाद वाली लाइफ में भी आपको ये इफेक्ट कर सकता है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो छिले में आपको अगर बुखार हो रहा है तो फ़ौर तौर तो पर उसको रिपोर्ट करें ताकि इन्वेस्टिगेट हो सके उसके रीज़न बेशुमार हो सकते हैं यूरन की इन्फेक्शन भी हो सकती है आपको हो सकता है यूरन जल के आ रहा हो सकता है कि जख्म खराब हो गया हो सकता है कि जो है कोई और रीज़न जैसे गायनी रिलेटेड नहीं भी है मलेरिया हो सकता है टाइफाइड की प्रॉब्लम हो सकती है कोई और रीज़न भी हो सकता है लेकिन वोट जो भी है आपको इसको ट्रीट करवाना है तीसरी बात है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं समटाइम्स जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इकट्ठा हो जाता है और ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंगॉस्ट हो जाती हैं सख्त हो जाती हैं गिल्टियाँ बन जाती हैं ये भी बहुत पेनफुल कंडीशन है इससे तो भी आपने अवॉइड करना है और बुखार उसकी वजह से भी हो सकता है जो ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो सकती है वह है कि अगर आपकी टांगी जो है वह बहुत ज्यादा सूझ गई हैं स्पेशली अगर आपकी एक टांग बहुत ज्यादा सूझ गई है और पेन भी हो रही है तो सूर्त हाल में भी आपको टांग का अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है आपको ये देखना होता है कि कहीं कोई क्लॉट तो नहीं है जो उसमें आ गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रेगनेंसी में इसका रिस्क भी बढ़ जाता है इस तरह का यानी तो अगर आपकी एक टांग सूझ रही है तो बहुत जरूरी है अगर आपकी दोनों टांग, टांगों में थोड़ी बहुत स्वेलिंग है तो अमूमन वो खुद ब खुद ही सेटल हो जाती है उस वक्त भी आपको चाहिए कि अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को चेक रखें और ब्लड प्रेशर अगर आपका प्रेगनेंसी में भी ज्यादा था या नहीं था और बाद में ज्यादा आ रहा है और वन फोर्टी या वन फिफ्टी से ऊपर जा रहा है तो उसको भी दवाइयों की जरूरत है तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है जिस जिसपे आपको रिपोर्ट करना होगा इसके अलावा जो चीज़े जो चीज़ें कि इंपॉर्टेंट है जो कि हम अक्सर निगलैक्ट कर जाते हैं वो क्या है वो ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाए या बहुत आपका लो मूड हो जाए या आपको अपना बच्चा भी देखने का दिल नहीं कर रहा या आप बहुत लो फील करें लेकिन अदरवाइज आप ओके हैं okay, लोगों का ये ख्याल है कि चले में ये सारा कुछ होता है ये ठीक हो जाता है लेकिन मेरा है ये ख्याल है अगर ऐसी सूरत हाल है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए चूंकि उसकी मेडिसन भी हैं उसकी थेरेपीज भी मौजूद हैं आपके डॉक्टर जो है आपको इन चीजों से निकलने में मदद कर सकता है इनमें से कोई भी वार्निंग साइन आपको है अगर आपका सांस बहुत ज्यादा चढ़ना शुरू हो गया है आपको लग रहा है आपको खून की कमी है आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है एक एक टांग बहुत ज्यादा सूज गई है बुखार चढ़ गया है आपका जो डिस्चार्ज है वो चेंज हो गया है वो बहुत ज्यादा स्मेली है या पस लाइक आ गया है आपको अपने जख्म में सोजन फील हो रही है डेडनेस फील हो रही है आपको अपना पेट हुआ लग रहा है या नीचे जो नॉर्मल डिलीवरी का जो जख्म होता है वो हुआ लग रहा है इस सारी में फौरी तौर पर डॉक्टर को बताइए ताकि बर वक्त तशखीस और इलाज मुमकिन हो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा आपका बहुत शुक्रिया